हेलो गाइज, आज हम बेकार पड़े हुए जो मॉडल जो रखे हुए हैं, जो पढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल होते थे, उसकी सहायता से हम एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे और यह देखते हैं कि चूंकि यह बेकार पड़ा हुआ है और इसे लोग घर के लोग फेंकने के लिए बोलते हैं कि घर में यह कचरा है, तो हम अब इसकी सहायता से एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो किस तरह से हम बनाते हैं, चलिए हम देखते हैं। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे हम यहाँ देखते हैं। ये चूँकि ये मॉडल है, कलर पेपर, प्रैक्टिकल का कॉपी, प्रैक्टिकल का जो कूट है उसे हम लेते हैं, 2 से 3, स्केल, पेंसिल, कटर, अब हम ये जो मॉडल है उसमें डायगोनली जो है एक वायर लगाते हैं। वायर लगाने के बाद हम इसे गत्ते पर रख कर हम इस तरह से सेट करते हैं कि जो इसके घूमने पर इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो गत्ते में जहाँ जहाँ पर जहाँ जहाँ से पास होती है उसे हम कटिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो हेक्सागोन है। देखिए इस तरह से हेक्सागोन है लेकिन रेगुलर हेक्सागोन नहीं है, हमें नीचे का साइज और ऊपर का साइज बराबर दिख रहा है, ये दोनों साइज और ये दोनों साइज बराबर दिख रहा है, बाकी ये दोनों जो है छोटा है लेकिन ये साइड और ये साइड बराबर दिख रहा है। तो इस तरह से हम ट्रैजेक्टरी बनाएंगे कि ये जो है मॉडल विकर्ण पर घूमने पर आसानी से यह राउंड ले ले। तो अब हम इसे काट कर अलग कर देंगे। अब हम इसका अगला काम करेंगे। Thank you.